नहीं सॉरी मैंने नहीं देखा अभी तक. मैंने कल उसने कुछ तो मतलब वो छोटा सा वो जैकलिन के साथ उन्होंने टीजर डाला था वो देखा था बट सॉन्ग नहीं देखा. अभी मैं देखूँगी एंड आई एम श्योर अच्छा ही होगा. मैं गाना कतई नहीं गाऊंगी किसी गलत फहमी में मत रहना क्योंकि आप लोगों को तो पता है ना मेरी आवाज़ कितनी अच्छी है तो मैं नहीं चाहती ऐसे यू नो पब्लिकली अभी गाऊं. या ऐसे तो मैं सभी गाने अच्छे हैं बट अभी एक होलिया में रंग उड़े लाल हाय हाय सब पता है वो वाला मुझे थोड़ा सा मैंने सुना था तो अच्छा लगा था तो कल शायद मैं वही सुनूंगी. तो मुझे अभी तक तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है किसी के साथ में. कोई फ्री होगा तो कॉल कर लेगा तो चले जाएंगे बिकॉज हमारे इवेंट तो सारे कैंसिल हो गए कोरोना वायरस की वजह से. मुझे तो घर से निकलते हुए भी डर लग रहा है कोरोना वायरस मेरे जहन में इतना घूम रहा है कि मुझे डर लग रहा है. अब इनफैक्ट एक कल पार्टी के लिए हमें आया है सबको बट मुझे डर लग रहा है वहाँ जाने से भी कोरोना वायरस का पता नहीं है कि बट आई थिंक मैं जाऊँगी तो वहाँ मिल गए दोस्त तो ठीक है. क्या हाँ फैंस के लिए यही कहना चाहूँगी कि होली सेलिब्रेट करो पर ये जहन में रखो कोरोना वायरस बहुत चल रहा है. हाँ हाँ मैं तो ऐसा प्रिकॉशन ले रही हूँ घर से बाहर ही नहीं निकल रही है. मुझे कोई इवेंट के लिए कॉल आ रही है सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग किसी भी कहीं के लिए भी कॉल आ रहा है. मैम यहाँ इवेंट इज लाइक दिल्ली में आई एम नॉट कमिंग जयपुर में आई एम नॉट कमिंग. मतलब मुझे सुन के ही मेरा मतलब मुझे डर लग जाता है इन चीज़ों से. लेकिन मैंने जितना सुना है कोरोना वायरस के लिए तो आप लोगों को अपने हाथ वाथ क्लीन रखने चाहिए दैट नकाब मास्क पहनना चाहिए और ट्रैवल ज़्यादा ना ही करो अगर ज़रूरत नहीं है तो बेटर रहेगा क्योंकि अपनी सेहत अपने हाथों में है यार तो संभाल के रखो. हाँ हाँ क्यों नहीं ऐसे देखो ऐसे कुछ बड़े ख्वाब नहीं है मेरे को मैं फिल्म ही करूँगी ऐसा कुछ नहीं है. जो मुझे चीज़ अच्छी लगेगी जो लगेगा कि या आई एम कम्फर्टेबल इन दिस एंड मेरी ऑडियंस को ये पसंद आएगा तो मैं वो करूँगी. लेकिन जल्दी करूँगी. दो तीन प्रोजेक्ट आए हैं एक दो मैंने मना भी कर दिए बिकॉज अभी करेंगे तो ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए वैसा तो जल्दी दिखेंगे या तो टेलीविज़न या फिर कहीं और. ये कैसे मेरी तो बातें सबसे होती हैं जब नहीं नहीं उनसे कैसे होगी मेरी बात. अभी कोई बात नहीं आपको कहाँ से लगा मेरी बात हुई उनसे. खबरी तो नहीं आप. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू यू. होली मेरे लिए सच कहूँ तो ज़्यादा स्पेशल नहीं होती है क्योंकि मैं सेलिब्रेट नहीं करती हूँ बहुत कम करती हूँ बट इस बार यहाँ आकर क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसी जगहों पर जाना पसंद है क्योंकि मैं बिग बॉस में जाने वाली थी उससे पहले भी जाना था तो टाइम नहीं मिला तो मैं आने के बाद भी मुझे ऐसा था कि मैं पहले यहाँ जाऊँगी बाद में कहीं जाऊँगी तो वक्त नहीं मिला तो फिर मुझे ऐसा लगा कि होली से पहले जाना अच्छा टाइम रहेगा और बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना वो थोड़ा सा कुछ देना वो अच्छा रहेगा तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ. मैंने होली मनाई है ऐसा नहीं मैंने नहीं बनाई मुझे पसंद नहीं है लेकिन ये वाली होली मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि मैं बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ही दिल के सच्चे होते हैं और अच्छे होते हैं पॉजिटिविटी काफ़ी देते हैं तो मुझे यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा और पॉजिटिविटी मिली है तो मैं आऊँगी यहाँ पर बार बार. बेस्ट मोमेंट यहाँ पर सारे ही इनफैक्ट अभी भी है मुझे तो मीडिया भी बड़ी पसंद है. मेरे सारे बेस्ट मोमेंट अभी तक के यहाँ मुझे यहाँ आके मतलब आई कांट एक्सप्लेन मच बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे लिए वाइब्स बहुत मैटर करती है तो यहाँ की वाइब बहुत ही पॉजिटिव है बच्चों के साथ भी अच्छा लग रहा है और जब आप जैसी मीडिया कॉपरेट करती हो तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं खुद ही बड़ी मस्ती करती हूँ मुझे मस्ती वाले लोग चाहिए होते हैं अपने आस पास इरीटेटिंग में.
मैं इनफैक्ट मुझे कल भी आना था, कल वुमेंस डे था, तो आई थॉट कि कहीं जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं आंटियाँ उनके पास जाया जाए, बट क्या शॉर्ट टाइम में हम नहीं जा सकते तो इसीलिए वहाँ पर जाने का वक्त नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी होली है तो बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ पर बाद में चले जाएँगे, तो इसलिए कल ही हुआ था प्लान। यहाँ हाँ, आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि वो गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सैड सॉन्ग है और मेरी फेवरेट सिंगर ने गाया, सोनू कक्कड़ ने। सो आई एम रियली हैप्पी कि लोग पारस और मेरी जोड़ी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो वो बारिश सॉन्ग के थ्रू हमारी केमिस्ट्री देख पाएंगे, जो कि वैसी नहीं होगी जो बिग बॉस में थी, बहुत अलग होगी, लेकिन काफ़ी अच्छा सॉन्ग है और वीडियो भी बहुत ही प्यारा है। एक सेकंड, हम बच्चों को ऐसे खड़ा रखेंगे मुझे अजीब लगेगा, वो खड़े और मैं बैठी हूँ। हाँ सॉरी, मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे भाई खड़ा रहे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, काफ़ी टाइम से प्लान था हमारा कि एक छोटा सा गेट टुगेदर करेंगे जब सब फ्री हो जाएंगे, तो ज़्यादा लोग आ नहीं पाए क्योंकि सिद्धार्थ, आसिम, हिमांशी, दे ऑल आर बिजी, सो वी थॉट के जो जो फ्री है उनको बुलाया जाए, तो साथ में मिलके हमने पार्टी किया, मस्ती की, बाकी वो बिग बॉस की यादें सारी ताज़ा हो गई। तो जो लोगों को लग भी रहा था कि हमारी अंदर बनती नहीं है तो बार भी एकदम हेट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम दोस्तों में भी लड़ाई होती है, तो अंदर तो एक घर में रहते थे तो वहाँ लड़ाइयाँ होती ही थी, लेकिन हमारा हमेशा से था कि बाहर जाकर तो मिलेंगे। हाँ, मतलब वहाँ विशाल, पारस, शिफाली, आरती, सब बिग बॉस के वैसे लाइक बस करो ना यार बाहर आए, अब तो कोई और बात करते हैं, तो वो लोग कर रहे थे जब तक हम म्यूजिक में नहीं थे, लेकिन उसके बाद सब चुप हो गए। मैं अगर इंडिया में रही तो होंगी, बिकॉज़ मेरा एक शो है जो आउट ऑफ कंट्री है, तो अगर मैं कोरोना वायरस के डर से वहाँ नहीं गई तो मैं जाऊँगी, बट अगर मैं चली गई तो शायद नहीं कर पाऊँ, बट अगर नहीं गई तो डेफिनेटली आई विल गो अगर मैं फ्री रही। थैंक यू। हाँ, शिक्षा, हाँ हाँ, मैं यही कहना चाह मतलब एजुकेशन यार सच्ची कहूँ तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बट खास मैं बचपन में कुछ पढ़ाई में इतनी थी नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत होती है। सो अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके, और जो यहाँ पर बच्चों को यू नो एक यहाँ पर एक अच्छा सा एक मिल रहा है स्टडी, वो बहुत ही अच्छी बात है, सब लड़कियों को यू नो पढ़ाई ये सब मिलना चाहिए, बिकॉज उससे आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होता है, तेज़ होता है, तो लड़कियां तो लड़कों से कम नहीं होती, उनको उनके बराबर रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लड़के हैं तो उन्हीं को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी कम नहीं होता है ना, है ना शिल्पा? हाँ जी। यार मैं ये कहूँगी, सच्ची बोल रही हूँ, मेरे लिए दुआ करना, अगर मैं बहुत पैसे कमा लूँगी तो मैं भी डेफिनेटली कुछ करूँगी, सच्ची में मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझसे जितना होता है मैं करती हूँ। इनफैक्ट मैं लोगों को भी कहना चाहूँगी कि आप लोग भी जितना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि अगर एक बड़े से तालाब में से थोड़ा सा पानी निकाल लोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, उस पानी से किसी का घर बस जाता है, घर बन जाता है, उनकी लाइफ बन जाती है, तो करना चाहिए सबको। थैंक यू।